घरोंडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की अपील का भी स्वागत किया गया। वहीं लॉकडाउन का पालन करते हुए शहर में प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन व मीडिया कर्मियों पर अंबेडकर युवा समिति के सदस्यों ने फूलों की बारिश कर आभार जताया। आपको बता दें कि अंबेडकर युवा समिति के संरक्षक मलखान नंबरदार ने कहा कि पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने परिजनों की चिंता किए बगैर पूरे समाज व देश की चिंता कर रहा है। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना व उन्हें सम्मान देना फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि इस बार पुलिस प्रशासन को सम्मान देकर ही उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई है। इस मौके पर SDM गौरव कुमार ने पुलिस प्रशासन का सम्मान करने पर समाज का धन्यवाद किया व सभी से आह्वान किया कि वे लॉकडाउन के नियमों की पूर्ण पालना करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान अपने घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर बाहर जाएं एवं साफ सफाई अपनाकर इस रोग को फैलाने से बचाया जा सकता है। इसलिए सरकारी हिदायतों की पालना करें और खुद को सेफ रखें। इस अवसर पर DSP रामदत्त ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है, ऐसे में सबको कानून की पालना करनी चाहिए। सरकार द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उनको फॉलो करें। किसानों के लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, छूट के हिसाब से किसान कार्य करें। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती थी, तो हमारी अम्बेडकर युवा समिति के साथियों ने अब की बार अम्बेडकर जयंती ना मनाकर सिर्फ जो देश की सेवा में लगे हैं, सफाई कर्मचारी हैं या पुलिस विभाग है या अपने जितने और अधिकारी हैं, आज उनका हमने फूलों की वर्षा उनके ऊपर करके उनका पूरे घरोंडा में स्वागत किया है। इस कोरोना की महामारी में ये अधिकारी दिन रात पूरी ईमानदारी से मेहनत से ये लोगों को समझाने में, जागरूक करने में लगे हुए हैं ताकि लोग घरों में रहें और इस बीमारी से, मुसीबत से बचे रहे। तो इसलिए हमने आज इनकी इस सेवा भाव को देखते हुए अब की बार हमने बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बिल्कुल सादगी और साफ तरीके से फूलों की वर्षा करते हुए इन लोगों का बहुत हमने सम्मान किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लॉकडाउन का जो तारीख 3 मई तक बताई है, हम उसका भी पूर्ण रूप से पालन करेंगे और हमारे पूरे जितने भी हैं घरोंडा में हम भी जागरूक लोगों के करते हैं ताकि देश में ये शांति व्यवस्था बनी रहे, घर में रहेंगे, अपना सुरक्षित रहेंगे, तो हम भी लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, समाज ने आज इतना बड़ा जो सम्मान किया, पुलिस प्रशासन का सब मिल करके यहाँ आए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को खुश अर्पित करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ कोरोना के लिए भी कहेंगे कि सभी लोग सचेत रहें, घरों में रहें जितना हो सके, ये भी अनुरोध सभी से करें। देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने का कारण है कि अभी भी कोरोना की जो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक ही तरीका है कोरोना के स्प्रेड को रोकने का, कि एक तो उचित दूरी बना के रखें और घरों से कम बाहर निकलें और सचेत रहें, यही एक उसका एक तरीका है। तो लॉकडाउन इसमें 3 मई तक भी बढ़ाया गया, उसकी पूर्ण रूप से सभी लोग पालना करें, ऐसा अनुरोध है सभी से। हम घरोंडा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। आज भीमराव अम्बेडकर बाबा की 129वीं जयंती है, इस पर सभी घरोंडा वासियों को हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और कोरोना जो ये महामारी चली हुई है, इससे हम आपके चैनल के माध्यम से घरोंडा वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं, भाई आने वाली 3 मई तक अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से कोई आवश्यक काम के लिए निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। सभी प्रशासन का, घरोंडा वासियों का सहयोग है जिससे कि ये लॉकडाउन 21 दिन का सफल हुआ है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं जो 3 मई तक का ये लॉकडाउन है वो भी आगे घरोंडा वासियों के सहयोग से सफल रहेगा। प्रशासन बिल्कुल सख्त है, अगर इस मामले में कोई भी आना करता है तो उसके खिलाफ नहीं। जो अब ये रबी की फसल आई हुई है, ऊपर से जब चल रहा है, इसमें जो सरकार की तरफ से आदेश हैं उनकी पालना करके वो जा सकते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.